तुम्हारी दोनों बहनें हमारे गन पॉइंट पर हैं और पुलिस ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। यहां से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं मैडम कि अपने गन नीचे फेंक दो। वरना हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। कानून और मौत का डर किसी और को दिखाना इंस्पेक्टर, मेरी बहनों को मारना आसान नहीं है। उर्वशी ने अब तक हार नहीं मानी। अपने ऑफिसर से कहो अपनी रिवॉल्वर नीचे कर दे। नहीं तो आपको यहां राधा नहीं, राधा की लाश मिलेगी। अगर आपने गोली चलाने की कोशिश की मैडम तो आप भी नहीं बच पाएंगी। आपकी भलाई इसी में है कि अपनी गन नीचे फेंक दीजिए। अच्छा, अगर यहाँ मौत होनी ही है तो एक नहीं दो दो मौतें हों। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो ये राधा भी जिंदा नहीं बचेगी। मैं आपसे उनकी जिंदगियों की सलामती की भीख मांगती हूं। अगर आप लोगों ने मुझे और मेरी बहनों के लिए रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं अपनी इस गन की सारी गोली राधा, प्रिंसेस और श्लोक पर उतार दूंगी। लगता है आप लोगों को गोली के जबान के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। राधा, प्रिंसेस और श्लोक की मौत का दोष मुझे मत देना। मरने के लिए तैयार हो जाओ राधा। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने।
पुत्र के रूप में भगवान ने अपना आशीर्वाद दे दिया। हेलो संदीप दादा, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। श्लोक राधा प्रिंसेस की क्या खबर है? क्या वो सब ठीक ठाक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ संदीप दादा, मैं भी ये खबर आज ही और राय को देती हूँ। किसका फोन था बेटी? संदीप दादा का फोन था आज ही, वो पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। संदीप दादा ने खबर दी है कि श्लोक ने सही वक्त पर पहुंचकर राधा और प्रिंसेस की जान बचा ली। आप घबराने की कोई बात नहीं है। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना आपसे कि वाहे गुरु झूठ का साथ कभी नहीं देते। और सोनालिका बता, पुलिस ने उर्वशी को पकड़ा कि नहीं? मम्मी भाभी, संदीप दादा ने सिर्फ श्लोक राधा और प्रिंसेस की खबर दी है। वो एक घंटे में घर वापस ही आ रहे हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि उर्वशी का क्या हुआ है। लेकिन ये राधा, श्लोक और प्रिंसेस कहाँ रह गए? बेटा कब तक पहुंचेंगे यहाँ पे? आज ही वहाँ पुलिस की कार्रवाई चल रही है, वही खत्म होते ही घर पहुंच जाएंगे वो लोग। हटो एक तरफ, डेड बॉडी को लेकर जाना है। अब हमारी दीदी को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं आप? हमें अपनी दीदी का अंतिम क्रियाकर्म करने दीजिए प्लीज। मैं अपनी दीदी की डेड बॉडी कहीं भी नहीं जाने दूंगी। हमें जानने का इतना तो हक है कि आप हमारी दीदी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तुम्हारी दीदी की इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना है। हमें कुछ नहीं मालूम, आप बड़े साहब से पूछ लीजिए। सर सोनालिका, अगर तुम श्लोक और राधा का साथ ना देती ना, तो पता नहीं जब तक उर्वशी की सच्चाई हमारे परिवार के सामने आती, वो हमारे इस परिवार को क्या क्या नुकसान पहुंचा चुकी होती। उर्वशी हमारे परिवार की तबाही का तमाशा देखना चाहती थी अपनी बहनों के साथ मिलकर। उसने हमारे परिवार के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची थी सोनालिका। तुमने सच्चाई का साथ देकर एक बेटी होने के सारे फर्ज अदा कर दिए। मैं तो सिर्फ सच्चाई आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी आई। उर्वशी के चेहरे से झूठ का नकाब उठाने में राधा ने मेरी मदद की। अगर वो उसकी हरकतों पर नजर नहीं रखती तो शायद उसकी सच्चाई आप लोगों के सामने कभी भी नहीं आ पाती। कुछ भी कहो, गणपति बाप्पा ने हमारे परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। अरे एसएमएस, मैंने अपने कमरे में सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है, जरा मेरा सामान पैक कर देना। सोनालिका,
तुम कहाँ जाने के लिए सामान पैक कर रही हो? अपने परिवार की सलामती का मेरा मकसद यही पूरा हुआ है। मैं कल सुबह में जल्दी निकल जाऊंगी। श्रेयस मेरा वहां इंतजार कर रहा होगा, वो अकेला है। ओए, तो श्रेयस को भी यहीं बुला लेना। देख, दिवाली की खुशी तो है ही, साथ में हमारे परिवार को जो उर्वशी से मुक्ति मिली है, इन दोनों खुशी के मौके को छोड़कर तू ऐसे कैसे जा सकती है सोनाली कहाँ? मम्मी भाभी, श्रेयस को पहले ही मेरा बहुत इंतजार करना पड़ा है। मुझे घर बार और परिवार का मतलब सिखाने में जिंदगी ने पहले ही बहुत देर कर दी। इस बार मैं दिवाली श्रेयस के साथ मनाना चाहती हूँ। मेरी सास भी नागपुर आ रही है और इस दिवाली पर मैंने सोचा है कि अपने उस परिवार की सारी गलत फहमियां दूर कर दूंगी। आखिर वो भी तो मेरा परिवार है। मेरी सारी खुशियां अब उस परिवार से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा तूने बेटी, इसे मायके के लिए बेटी कभी पराई नहीं होती है, लेकिन बेटी की दुनिया उसका ससुराल ही होता है। आई सोनालिका में ये बदलाव देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा सोचती थी सोनालिका कभी परिवार के मायने समझ पाएगी या नहीं, पर वक्त और हालात ने सोनालिका को कितना बदल दिया है, कितनी समझदार हो गई। अच्छा एक बात सच सच बता सोनालिका, तुम में इतना बदलाव आया कैसे? मेरा मतलब है मम्मी भाभी, ये सब राधा की वजह से मुमकिन हो पाया है। रिश्तों के मायने मुझे उसी से सीखने मिले। पहले राधा के लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत थी, मैं उसे समझने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन अब मैं राधा जैसी बहू बनना चाहती हूँ अपने परिवार के लिए। तूने बिल्कुल ठीक कहा बेटी, अपनों की खुशी के लिए जीना शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन राधा ने हर मुश्किल में यह साबित कर दिखाया है कि उसके लिए अपना परिवार, उसकी खुशी और उसके प्यार से बढ़ के और कुछ है ही नहीं। जब से वो इस घर में आई है, उसने कभी भी अपने लिए नहीं बल्कि हमारे इस परिवार के लिए सोचा है। बेटा कुछ तो करो, बेटा भगवान के लिए कुछ करो। श्री कृष्ण सुभद्राय गर्भवत्ये निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य रहस्यं चाकुतं हितः अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणु रहस्यं चक्रव्यूहस्य सम्पूर्णं न स ज्ञातवान्। मैं भी राधा के पच्चीनों पर चलकर मेरे ससुराल में वही मान हासिल करना चाहती हूँ जो उसे हमारे परिवार में मिला है।
अपने आप को अकेला मत समझ चिंकी। मैं हूं ना, मैं तेरा ध्यान रखूंगी। हाँ पिंकी, और तू भी अपने आप को अकेला मत समझ पिंकी। मैं खाना खाने की जिद भी करना छोड़ दूंगी। अब तो मुंबई में अच्छे पहले पढ़ रहे होते दीदी, और दीदी ने हमें अगर यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम वहां बहुत खुश होते। हमें कहीं का नहीं छोड़ा दीदी ने, और मम्मी पापा की मौत की वजह भी दीदी थी, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा, यही समझाया हमें, अपने मम्मी पापा के मौत के जिम्मेदार है। हम दीदी के बोलने पर क्या क्या करते रहे। फिर उनका परिवार कितना अच्छा था चिंकी, उन्होंने तो हमें माफ भी कर दिया था चिंकी। काश दीदी के बदले की आग में मैं ये सब ना करती तो हम वहां होते चिंकी, उनके पास आराम कर रहे होते थे हम। चलो उठो अभी। क्यों, हम क्यों चले, हमने क्या किया? हम यही ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी का मर्डर नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया हम लोग ने, कोई क्राइम नहीं किया हमने, हम यही बैठे के, हमें कुछ नहीं किया। अभी आपको जो भी सफाई देना है बड़े साहब के सामने देना। चलिए, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं।